नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास नंबर 11 बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा है केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार, केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स, या इसे कहते हैं हिंदी में ससीम केंद्रकी कोशिका, ससीम केंद्रकी कोशिका। और दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्रकी कोशिका, असीम केंद्रकी कोशिका। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कुछ लक्षणों या गुणों के आधार पर। कुछ लक्षण तो हमारे इसमें खत्म हो जाएंगे आज की वीडियो में, कुछ रह जाएंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखो पहला लक्षण क्या है, से इस परिभाषा कह जाएगी प्रोकैरियोटिक। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है प्रोकैरियोटिक, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रो, दूसरा है कैरियो। पहला शब्द क्या है? प्रो, दूसरा है कैरियो। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, प्रो मींस प्रिमिटिव, और कैरियो माने होता है न्यूक्लियस। कैरियो माने न्यूक्लियस, और प्रिमिटिव शब्द का जिनका अर्थ है अल्पविकसित, अल्पविकसित या अविकसित कह सकते हैं इसे, या प्रारंभिक कह सकते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक, अर्थात अल्पविकसित केंद्रक। इसका हिंदी में अर्थ हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका का अल्पविकसित केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिनमें अल्पविकसित या अविकसित केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें अल्पविकसित या अविकसित या प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये तो बात हुई प्रोकैरियोटिक कोशिका के अर्थ की और परिभाषा की। परिभाषा कैसे बनाएंगे? होती है और इसकी मोटी होती है। अब अगला प्रश्न हमारा 7
उपपत्ति में होता है, वायु शोषण कहलाता है। तो ये हमारे